बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एवरेस्ट का मीट मसाला बना रहे हैं। तो इधर हमने मीट लिया है, टमाटर, दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कैप्सिकम, अनियंस, कोरिएंडर और करी पत्ते। और हम इधर एवरेस्ट का मीट मसाला ले रहे हैं गाइस। इधर हमने कुकर में ऑयल को डाल लिया है, इसमें प्याज को ऐड कर दें, ग्रीन चिलीज, धनिया, करी लीव्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दें, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इन सबको मिक्स कर लीजिए। मीट मसाला ऐड कर दें। इसमें मीट को ऐड कर दें। हमने मीट को स्लाइस कट में लिया है। इसमें सॉल्ट ऐड करें। मीट का कलर चेंज होने तक इसे अच्छे से भून लें। इसमें एक लेमन को स्क्वीज कर दें। गाइस, हमने इसको अच्छे से भून लिया है। अब इसमें टमेटोस ऐड कर दें। अभी इसमें दही को ऐड कर लें। अभी इसको मिक्स कर लें। इसको 5 मिनट तक अच्छे से पकाएं। गाइस, 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। अभी इसके ऊपर हम लिड क्लोज कर देंगे और 4 सीटियां आने तक इसे पकाएंगे। अभी हम इसको फुल फ्लेम पर पकाएंगे 4 सीटियां आने तक। गाइस, हमारे कुकर की 4 सीटियां आ गई है, हमने उसे खोल दिया है और हमारा गोश्त भी अच्छे से गल कर तैयार है। आप चाहे तो इसका शेरवा रख सकते हैं या फिर चाहे तो आप पूरा इसे ड्राई कर सकते हैं। रोटियों के साथ इसकी ग्रेवी अच्छी लगेगी। अब हम इसे ड्राई कर लेंगे। हम इसमें कैप्सिकम ऐड कर लेते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो कैप्सिकम स्किप भी कर सकते हैं। हम कैप्सिकम खाना प्रेफर करते हैं इसके साथ, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। अब इसको अच्छे से ड्राई होने तक इसे पका लीजिए। गाइस, हमारा मसाला अच्छे से ड्राई हो गया है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। गाइस, हमने इसे डिश आउट कर लिया है। आप इसे रोटी या चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।